फ्रेंड्स, आज के दौर में लगभग 10-15% स्त्री यानी लड़की हो या महिला भक् प्रदेश के खुजली यानी योनि द्वार के खुजली का शिकार है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि यह संक्रमण रोग होता क्यों है, यानी भक् प्रदेश में खुजली होने के कारण, लक्षण एवं सही और गारंटी घरेलू उपचार के बारे में जो 100% नेचुरली हो। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और रोग निवारण घरेलू नुस्खा जो 100% नेचुरली है उसका सही जानकारी का लुत्फ उठाएं। तो नमस्कार दोस्तों, डीके आयुर्वेदा चैनल में आप सभी को स्वागत। फ्रेंड्स, यह रोग यानी भक् प्रदेश में खुजली होना यह स्वयं में एक संक्रमण रोग है जो योनि यानी भक् प्रदेश में या योनि के आजू बाजू में ही होता है। जो त्वचा यानी स्किन रोग है, यह रोग अधिकांशतः मधुमेह जैसे रोगी में होता है जो मूत्र संस्थान से संबंधित होता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो स्त्रियां गर्भ निरोधक गोली यानी टेबलेट का इस्तेमाल या कमला जोंडिस यानी पीलिया, मूत्र कृमि, अर्स, बवासीर और विदार यानी फिसर जैसे रोग के रोगी में यह रोग अधिक पाया जाता है। फ्रेंड्स, प्राचीन आयुर्वेद चरक संहिता के अनुसार भक् प्रदेश में खुजली यानी योनि द्वार में खुजली शारीरिक कुपोषण के कारण और साफ सफाई न रहने के कारण होता है। फ्रेंड्स, ज्यादातर यह रोग जैसे विटामिन ए तथा विटामिन डी एवं लिवोफ्लेविन यानी विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। इस रोग में यानी जो महिला भक् प्रदेश के खुजली जैसे रोग से ग्रसित हो चुकी है, वह जन समूह के बीच में भी न चाहते हुए भी अपने योनि को खुजलाने पर मजबूर हो जाती है, जिसके कारण योनि के आसपास के स्किन यानी त्वचा मोटा पड़ जाता है। फ्रेंड्स, इस रोग में यह भी देखा जाता है कि रोगिनी को पहले से कोई प्रदर रोग तो नहीं, यानी महिला लिकोरिया या पीरियड के परेशानी से तो नहीं जूझ रही है। फ्रेंड्स, कारण तो बहुत है लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए सीधे हम जानते हैं वो घरेलू नुस्खा के बारे में जो सिर्फ 1-2 बार के इस्तेमाल में ही भक् प्रदेश के खुजली को जड़ से खत्म कर देता है। गंधक। फ्रेंड्स, गंधक एक बैक्टीरिया नाशक तत्व है जो किसी भी प्रकार के फंगस को खत्म करता है। तो फ्रेंड्स, आपको लेना है गंधक जो किसी भी किराने शॉप या पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो गंधक को बारीकी पीसकर मक्खन के सहारे पेस्ट फॉर्म में तैयार कर लेना है और खुजली वाले स्थान पर इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 1-2 बार के इस्तेमाल में ही भक् प्रदेश के खुजली यानी योनि द्वार में होने वाली खुजली जड़ से नष्ट हो जाएगा। और इसके साथ में आप सर्वाधासप जो 100% आयुर्वेदिक है, ये किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर आसानी से मिलने वाला औषधि है जिसका सेवन खाना खाने के बाद 20-30 ml वल्ले यानी शरीर के वजन अनुसार बराबर मात्रा में पानी मिला के करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि योनि में खुजली और कोई कारण यानी लिकोरिया या ओवुलेशन या और कोई गुप्त रोग के कारण है, या कोई आपका अपना अभी तक संतानहीन है यानी बांझपन के शिकार है, तो आप एक बार कमेंट द्वारा संपर्क जरूर करें। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल डीके आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ऑल का घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।